अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में और के खैर वाफ़ियत से रखे और कोरोना वायरस से बचा के रखे। उम्मीद है आप लोग तमाम SOPs पे अमल कर रहे होंगे और अपने आप को घरों में रखा हुआ होगा आप लोगों ने, लेकिन फिर भी किसी न किसी काम से हर इंसान को निकलना पड़ता है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो नाज़रीन आज मैं आपको एक ऐसी अपना चीज़ बता रही हूँ जिसे आप लोग बाज़ार से जब सनब्लॉक के नाम से ख़रीदते हैं। ये रेमेडी जो है होममेड है और इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, और ये तकरीबन चीज़ें आपके किचन में मौजूद भी होती हैं। एक आध चीज़ नहीं हो तो आप बाज़ार से ले सकते हैं, और बाज़ार के जो सनब्लॉक होते हैं उससे आपकी स्किन डैमेज भी हो जाती है और किसी को सूट करती है किसी को नहीं भी करती। तो ये एक होममेड सनस्क्रीन है और 50% तक ये आपको जो है ना स्किन के लिए आपको सेव करता है, और ये जो सूरज की UVB रेज होती है इनसे आपको बचाता है, और आपके स्किन पे जो सूरज की वजह से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं और छाइयाँ पड़ जाती हैं और रंग काला हो जाता है, ये उससे आपको महफूज रखेगा। तो इसमें सिर्फ चंद ही चीज़ें हैं, तो ये देखते हैं आपको। तो नाज़रीन ये इसमें जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 2 बड़े चम्मच तिलों के लिए थे और इसको मैंने कूट लिया है, इसका मुझे मिल्क चाहिए था। ये तिल है, इसके 2 बड़े चम्मच मैंने लिए थे और उसको मैंने रोज़ वाटर के साथ इसका जूस निकालने के लिए इसको अच्छी तरीके से कूटा है। अब इसको मैं मलमल में के कपड़े में छान के इसका मिल्क निकाल लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि इसके साथ आगे क्या करना है। और ये है तिलों का तेल, और ये है रोज़ वाटर, और ये एलोवेरा जेल। बस यही 4 चीज़ों का ये बनेगा हमारा सनब्लॉक। तो मैं आपको ये मिल्क ज़रा रेडी करके लिया हूँ, फिर मैं आगे क्या करना है आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये देखिए, मैंने तिलों का ये मिल्क रेडी कर लिया है, इसको मैंने छान लिया मलमल के कपड़े हुए, ये तकरीबन 3 बड़े चम्मच है। अब इसके अंदर मैं एक विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर रही हूँ जो मैं आपको बताना भूल गई थी, तो ये भी आपने ज़रूर डालना है इसके अंदर। अगर क्वांटिटी ज़्यादा लें तो आप इसको 2 कर लीजिएगा। अच्छा, ये एलोवेरा जेल है, इसको भी मैं 2 बड़े चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 ये आप डिपेंड करता है कि आपको ये कितना थिक चाहिए, आपने उसकी कंसिस्टेंसी जो है इतनी रखनी है जैसे कि आम क्रीम की होती है। और ये है तिलों का तेल, ये भी मैं तकरीबन 1 बड़ा चम्मच ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। आपको पता है ये जो तिलों का तेल है आपके लिए ये एंटी रिंकल्स होता है, एंटी एजिंग कहलाता है, ये आपके रिंकल्स को ख़त्म कर देता है, स्किन में जो झाइयाँ पड़ जाती हैं झुर्रियाँ पड़ जाती हैं इनको बिल्कुल ख़त्म कर देता है अगर आप इसको मुसलसल यूज़ करें। तो ये जो तिलों का तेल है आप खाली एज ए मॉइस्चराइजिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप सनब्लॉक के साथ यूज़ करेंगे तो उसका डबल फ़ायदा होगा। अब हम इन चीज़ों को इतना मिक्स करेंगे कि ये क्रीम की शक्ल बन जाए। तो नाज़रीन चूँकि मैं ख़ुद वीडियो बना रही होती हूँ इसलिए मैं ब्लेंड करके फिर आपको इसको क्रीमी शक्ल में दिखाती हूँ। देखें हमारी ये सनब्लॉक क्रीम तैयार हो गई है। आपने इसको थोड़ा सा लेना है सुबह जब आप घर से निकलने लगते हैं, या ना भी निकले तो आप घर में भी रह कर इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप देखें कि 1 वीक के अंदर ही आपको अपने फेस में कितना बड़ा चेंज दिखेगा। और आपने इसको बना के फ्रिज में रखना है, और जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर फ्रेश बना लें। आप इसको 15 दिन के लिए बनाएं, फिर जब 15 दिन के ख़त्म हो जाए तो फिर फ्रेश बना लें। और ये जो हमने विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं इसीलिए डाले हैं कि ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं और जो क्रीम है जल्दी ख़राब नहीं होती। तो आपने इसको लेके अपने जैसे आम क्रीम लगाते हैं इसी तरीके से आपने इसको अपने फेस पर लगाना है, हाथों पर लगाना है, जहाँ पर भी आप धूप के से आपको तकलीफ़ महसूस हो, गर्दन पे पैरों पर जहाँ भी चाहें आप इसको लगा सकते हैं। तो नाज़रीन ये था हमारा सनब्लॉक, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो मैं बार बार तो नहीं दोहराऊंगी लेकिन आप खुद भी जानते हैं कि पसंद आए तो क्या करना होता है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।